फिरोजाबाद के रसूलपुर क्षेत्र के कबाड़ गोदाम आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि फायर फाइटरों को करीब 2 से 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग की तस्वीर फिरोजाबाद के रसूलपुर इलाके की है। आग सब कुछ जलाने पर आमादा है। एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आग को काबू करने के लिए जिले की दमकल गाड़ियां मांगनी पड़ी। फायर फाइटरों को करीब 2 से 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बेकाबू आग पर काबू पाया जा सका। आग लाने की वजह बिजली शॉर्ट सर्किट होने की वजह बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना रसूलपुर क्षेत्र में कोई घटना हुई है आग जलने की, क्या मामला है सर? ये थाना रसूलपुर क्षेत्र में एक गोदाम था कबाड़े का, इसमें हमारे सीओजी और उसमें सिटी कंट्रोल के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कबाड़े की गोदाम में आग लगी। इसकी सूचना अमल में लेते हुए फायर फिरोजाबाद से 2 गाड़ियां घटनास्थल पर आई। आपको देखा क्या ज़्यादा बड़ी थी, गोदाम बड़ा था और ऐसी इलाका में था, तो सिटी कंट्रोल के द्वारा फायर स्टेशन कुंडला, सुखवाहाबाद और सिरसागंज से भी गाड़ी मौके पर बुला ली गई और आपको पुलिस से भेजा दिया गया है और कोई जमानी नहीं हुई है।